नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा खंड स्तरीय ग्रामीण खुला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने किया। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की रिपोर्ट। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा खंड स्तरीय ग्रामीण खुली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक एटा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने किया। उन्होंने कहा, खेलों से शरीर निरोग रहता है और जीते प्रमाण पत्रों से नौकरी में भी सुविधा मिलती है। गुरु घनानंद इंटर कॉलेज चिर्रा के ब्लॉक सुल्तानगंज कैंपस में आयोजित हुई इसमें 400 मीटर दौड़ में पुष्पेंद्र सिंह प्रथम, चंदन द्वितीय, दीपांशु तृतीय, लड़कियों में सोनम प्रथम, दिव्यांशी द्वितीय, अंशिका तृतीय, 800 मीटर दौड़ में नितिन प्रथम, सुमित द्वितीय, आकाश तृतीय आदि लोगों ने प्रतिभाग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। सर, जो आपने ये कार्यक्रम कराया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की ओर से ये प्रत्येक ब्लॉक में जो है ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक संख्या में बच्चे खेलकूद में भाग लें और फिर ये ब्लॉक स्तर से लेकर के ये जनपद स्तर पे जाएं और वहाँ अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का नाम रोशन करें। इससे इनके स्वास्थ्य के साथ साथ इनका शारीरिक विकास और शैक्षिक विकास भी इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसमें विद्यालय की ओर से तो बहुत सी प्रतियोगिताएँ हुआ करती हैं, लेकिन हमारे जो ये विभाग का उद्देश्य है कि जिन लोगों को, जो बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए कोई कार्यक्रम जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए। तो उसी के तहत ये हमारा विभाग कार्य करता है कि हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। शुभकामना क्षेत्रवासियों को रामकली की तरफ से ये 26 जनवरी शुभकामना बधाई देती है और बाल बच्चों को दुआ देती है। हमारा काम भीख मांगने काम नहीं है, हमारा काम बधाई लेने काम है। हम सब गली में जाते हैं, शादी होती, बच्चे होते हैं, उसमें दान योगदान लेते हैं और इसमें अपना आधा भाग जनता में, समाज में खर्च कर देते हैं। समाज सेवका रामकली आलीपुर खेड़ा, जो हमारी मुस्कान भरी चेला है, हमारी ये छोटी चेला है, ये ढोलक मास्टर तेज सिंह है और ये कुछ है हमारे माँ बाप है। मंगला मुखी किन्नर ने अपना मंगला मुखी किन्नर रामकली आलीपुर खेड़ा हिनावासी उर्फ और आलीपुर खेड़ा क्षेत्र जिला मैनपुरी आलीपुर खेड़ा और जय हिंद जय भारत और मियाँ भाई सलावाले को हिंदू राम राम। अपना भागवत हो, प्रोग्राम होता है, शादी होती, ब्याह होता है, इसमें दान कर देते, कन्यादान कर देते हैं, रामलीला होता, भागवत होता, मंदिर मस्जिद को एकता लेके चलते, हिंदू मुसलमान की एकता लेके चलते हैं। हमारी मानव जात है, हमारी कोई जात नहीं है और हम हिंदू हैं ना मुसलमान है, हम फकीर हैं, फकीरी की कोई जात नहीं होती है, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, बुराई पे आ जाए तो इंसान बुरा। जय हिंद जय वारिस, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, जय हिंद या वारिस, अल्लाह वारिस, जय साईं, जय बाबा, जय हिंद, जय भारत, जय माता की।